नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं प्रियांक सौरभ बिहारी न्यूज के सेगमेंट बिहारी जायका के साथ। दोस्तों, मकर संक्रांति का समय शुरू हो चुका है और बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मकर संक्रांति को लेकर चहलकदमी बढ़ चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम पटना के कदम कुआं में पहुंचे हैं, जहां पर तिलकुट को लेकर बाजार गर्म है और लोग मकर संक्रांति को लेकर तैयारी पूरी कर रहे हैं और ख़रीदारी भी शुरू कर चुके हैं। और मकर संक्रांति की खास पहचान तिलकुट, तिल वगैरह को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक दुकान है, मकर संक्रांति को लेकर यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। दुकान आप देख रहे हैं सुधा स्पेशल खासता तिलकुट भंडार, जो कि तिलकुट की दुनिया में तिलकुट को लेकर बिहार में एक खास पहचान बना चुका है और पटना में यह एक लैंडमार्क बन चुका है, जहाँ पर तरह तरह के बहुत ही इसकी तिलकुट को लेकर काफ़ी खासियत के साथ यह दुकान वर्षों से चला आ रहा है। हम करते हैं आज इस खास दुकान के बारे में विशेष चर्चा, ताकि आप तिलकुट और तिल को लेकर जो आपके अंदर जो संशय चल रहा होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप तिलकुट की तैयारी यानी मकर संक्रांति की तैयारी काफ़ी सही ढंग से कर सके। और करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे दुकान है सुधा स्पेशल खासता तिलकुट भंडार, जो कि कदम कुआं में हिंदी साहित्य सम्मेलन के जनक किशोर रोड के निकट मौजूद है। तो अंदर जाते हैं, उनके ऑनर डीपी गुप्ता से हम करते हैं बात। देख रहे हैं अभी हम सुधा तिलकुट भंडार के अंदर आ चुके हैं, जो खस्ता बेहद ही स्वादिष्ट तिलकुट के लिए काफ़ी फेमस है। और अभी हम करेंगे इसकी खासियत के बारे में इनके ऑनर डीपी गुप्ता से खास बातचीत। सर, आप अपने तिलकुट के बारे में कुछ बताएं, हमारी अपनी दुकान के बारे में कुछ जानकारी दें। जी, ये कदम कुआं साहित्य सम्मेलन के पास कदम कुआं में ये तिलकुट दुकान है, जो सुधा तिलकुट आज हम लोग 2011 से शुरू किया और आज इतना अच्छा जो है इसका रिस्पांस मिला है हमको कि और ये रिस्पांस हमको मिला है, ये खासियत है इसकी कि हम जब भी तिलकुट बनाते हैं तो कानपुर का तिल से ही बनाते हैं, वहाँ का स्टोन जो मशीन होता है तिल का वो बेटर होता है और उसमें किन-किन और कंकड़ का शिकायत नहीं होता है। हम लोग कानपुर का तिल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन क्वालिटी उसका तिल में बहुत अच्छा क्वालिटी होता है और तिलकुट उससे अच्छे ही बनता है। तो गया का तिलकुट देश भर में फेमस है जी, उसको लेकर कहा जाता है कि भाई गया का तिलकुट, लोग गया में यात्रा भी करते हैं, एक प्रसिद्ध स्थान है बिहार का जी। तो उस तिलकुट को लेकर आपका क्या मतलब? जी, गया का कारीगर के द्वारा ही हमने तिलकुट का निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं यहाँ और गया का कारीगर से ही बनवाते हैं। और आपके पास मतलब ये तिलकुट, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे कारीगर जो गया के मूल रूप से बताए जाते हैं और काफ़ी अनुभवी कारीगरों द्वारा पूरा तिलकुट का निर्माण कराया जाता है, काफ़ी अच्छी तरीकों से आप दिखा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीकों से हो रहा है और उधर भी बन रहा है। अब उसके बाद डीपी गुप्ता जी, आप हमें ये बताएं कि आपके तिलकुट की खासियत क्या क्या है? जैसा कि मार्केट तो बहुत सारा है, दुकान बहुत सारा है, लेकिन दुकान जो ग्राहक होते हैं वो आपके यहाँ क्यों पहुँचे? जी, हमने गुड़ का जो तिलकुट बनाते हैं वो भागलपुर का जो रावा होता है, रावा से बनवाते हैं और रावा का टेस्ट उसका जो है गुड़ में बहुत अच्छा टेस्ट होता है रावा का तिलकुट में, तो हम लोग उसी से बनाते हैं। और जो चाशनी का जो कारीगर होता है, जो चाशनी होता है, वो सबसे फेमस जो कारीगर है उसको हम रखते हैं और उससे क्वालिटी बनता है जो हम लोग तिलकुट बनाते हैं उसका। अभी जैसा कि मैंने देखा है यहाँ पे आपके तिलकुट के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें शुगर फ्री तिलकुट की बात भी की जा रही है, तो क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए भी आप कोई खास तिलकुट का निर्माण करते हैं? जी, डायबिटीज मरीज के लिए हमने शुगर फ्री का निर्माण करते हैं, जो एकदम बिल्कुल जो है 110% शुद्ध होता है, शुगर फ्री। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम पहुंचे हैं पटना के कदम कुआं में और कदम कुआं में हिंदी साहित्य सम्मेलन के निकट एक जो तिलकुट का खास जाना पहचाना दुकान है सुधा खासता तिलकुट भंडार, और जहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्राहक पहुंचे हैं तिलकुट के लेकर। और हम जानेंगे यहां पर इसकी जो यहां पर तिलकुट का जो निर्माण किया जा रहा है उसके बाद सर हमें इस आपके जो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ खास जानकारी दें। इधर इधर बताइए क्या है। जी, हम लोग ये तिल पापड़ी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये काला तिल का पापड़ी जो बनाते हैं हम लोग, रिफाइंड तिल से बनाते हैं और इसमें गुड़ का ही काम होता है और अच्छा क्वालिटी होता है। अच्छा सर, इधर जो आप बहुत सारे जो आइटम रखे हैं इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या है और इसकी मतलब इसकी खासियत क्या है?
बादाम पौष्टिक होता है, इसको खाना अनिवार्य है। अच्छा। और ये खास्ता होता है एकदम, बिल्कुल रावा से बनाई जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप तिलक से बने हुए विभिन्न तरह के जो मिष्ठान कह सकते हैं, ये भी एक मिष्ठान की श्रेणी में ही आता है। और आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, कस्टमर लगातार तरह तरह के प्रोडक्ट्स का मज़ा ले रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं। सर ये क्या है? ये पापड़ी है। अच्छा, पापड़ी हमने कई तरह का पापड़ी बनाते हैं, एकदम खास्ता से खास्ता पापड़ी बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं। और रावा के इसके कारण जो है, रावा के वजह से जो है इसका टेस्ट बदल जाता है, अच्छी क्वालिटी हो जाती है इसकी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, इधर जो कारीगर मौजूद हैं वो लगातार बना रहे हैं और तिलकुट निर्माण में लगे हुए हैं काफ़ी उत्साह के साथ। कितने साल से आप इस काम में लगे हुए हैं? हमारा 2011 से स्टार्ट किए हैं काम। 2011 से जी। सब लोग गया के ही हैं जी। तो यहाँ पे काम को लेकर ये बताइए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर क्या कहा जाता है, मतलब आप लोग जो काम करते हैं, तिलकुट का निर्माण करते हैं, तो स्वच्छता पर कितना ध्यान रखा जाता है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सफाई सुथरा पर काम किया करते हैं हम लोग और बढ़िया से कारीगरी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, गया के मशहूर कारीगरों द्वारा निर्मित तिलकुट के बारे में हम जानकारी वहां के कारीगरों से ही ले रहे थे। सुधा खास्ता तिलकुट भंडार में हम पहुंचे हैं और यहां पे हम उस तिलकुट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो तिलकुट दो दिन बाद या यूं कहें कि ठंड में ऐसे भी इसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग लगातार इस चीज़ के प्रति इसको पसंद करते हैं। और हम करते हैं अब यहाँ पर मौजूद कुछ ग्राहकों से बातचीत। तो अभी अब हम आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे ग्राहक मौजूद हैं जो सुधा तिलकुट भंडार पर आए हैं, सुधा का तिलकुट है। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, तो पंकज जी आप सुधा तिलकुट भंडार पर क्यों आए हैं, इसकी क्या विशेषता है? सुधा तिलकुट भंडार पर हम इसलिए आए हैं कि हम इनके यहाँ पिछले 3-4 साल से तिलकुट ले रहे हैं। अच्छा। और इनके तिलकुट पर हमको विश्वास है, इन पर विश्वास है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब तिलकुट के साथ साथ, मतलब यूँ कह सकते हैं कि तिलकुट की शुद्धता के साथ साथ दुकानदार भी काफ़ी अच्छे व्यवहारशील हैं, जिनकी वजह से लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हमारे पीछे और भी जी, आप भी तिलकुट के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं जी। तो बताएं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नीतीश है और मैं पिछले 5 सालों से इनके यहाँ से ले जा रहा हूँ। अच्छा। और क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। क्वालिटी अच्छी रहती है, तो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। बहुत बड़ी समस्या होती है मिलावट की। हाँ। जो कि त्योहारों में ज्यादा मिलावट की समस्या बढ़ जाती है। हाँ, तो इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा घर महेंद्रू में है, मैं चाहता तो वहाँ से भी ले सकता था, लेकिन यहाँ के बारे में मैं पिछले 5-6 साल से जान रहा हूँ कि क्वालिटी बहुत सही रहता है, तो दाम थोड़ा ज्यादा भी लगे तो भी मैं यहाँ से लेता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरा नाम समीर प्रियदर्शी हुआ। चलिए, तो समीर जी आप भी यहाँ पे तिलकुट के लिए आए हैं। बहुत सारे ग्राहकों को मैंने सुना या मैंने देखा कि बहुत सारे ग्राहक आते रहते हैं, आप यहाँ के सेवा से खुश हैं? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कभी मिलावट का कोई शिकायत ऐसा सुनने को नहीं मिला घर परिवार से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ देख कर कि बाकी जगहों पर मिलावट का सामान मिल रही, और बिना कुछ सोचे समझे इसी दुकान पर काफ़ी साल से मैं आ रहा हूँ और सामान लेकर विश्वास कर सकते हैं इनके ऊपर के मिला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले ग्राहक भी बोल रहे हैं कि वो आंख मूंद करके दुकानदार पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो तिलकुट है काफ़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से हर चीज़ से अपने मानक पे खड़ा उतर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में, पटना के कदम कुआं में स्थित यह सुधा तिलकुट भंडार काफ़ी फेमस है और यहाँ पर हर चीज़ का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, स्वच्छता को लेकर भी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, सफाई को लेकर भी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो आप भी अगर मकर संक्रांति की तैयारी में लगे हुए हैं और आपने भी अभी तक तिल और तिलकुट की मार्केटिंग नहीं की है, तो आप पटना के कदम कुआं में हिंदी साहित्य सम्मेलन के निकट, जनक किशोर रोड में आकर सुधा तिलकुट भंडार में आकर। तो इसी के साथ मैं प्रियांक सौरभ आप सबसे इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़ और बिहारी न्यूज़ का सेगमेंट बिहारी जायका के साथ। हम आपको फिर से आने वाले समय में विभिन्न खासियत, विभिन्न खान पकवान के बारे में आपको बताते रहेंगे। और एक बार फिर से बिहारी न्यूज़ और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मज़े से पर्व मनाइए और खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।